दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और ये चल रही है आज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और ये है केजी पब्लिकेशन से, जिससे पता चल जाए बच्चों की कौन सी बुक्स हम पढ़ाते हैं। और फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर नंबर है 12, और इसका क्वेश्चन नंबर चलेगा आज 29। वैल्यूएशन ऑफ बोनस शेयर का चलेगा। इससे पहले आपको थोड़ी थ्योरी पढ़ाते हैं, थोड़े से उसकी बातें बताते हैं, एग्जांपल कौन सा मेन है वो भी बताएंगे, ठीक है, 29 क्वेश्चन करने के लिए। तो बच्चों पेज नंबर खोलो। उससे पहले आप एक चीज़ बता दूं मैं आपको, कि नेट एसेट्स आपने निकालना सीखा था इससे पहले क्वेश्चन में, आपने सीखा था एसेट साइड अप्रोच, ठीक है। एसेट साइड अप्रोच में क्या होता था कि आप नेट एसेट्स निकालते थे, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ रियल एसेट्स में से माइनस करते एक्सटर्नल लायबिलिटी, यानी टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करने से आप निकाल लेते थे। पेज नंबर बताऊंगा बेटा 12.3 है, देख लो वहां पे लिखा है नेट एसेट्स का मेथड, लायबिलिटी साइड अप्रोच मिला 12.3 इंग्लिश वाली बुक में, हिंदी वाली में भी उसके आसपास ही होगा 12.3 मिला बेटा श्रुति। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच में हम क्या क्या यूज करते हैं वो देख लो जरा फोकस। हाँ गिरा। तो नेट एसेट्स निकालने के लिए शेयर कैपिटल प्लस करेंगे, रिजर्व में सरप्लस प्लस करेंगे, प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन अगर दिया होगा तो प्लस करेंगे, माइनस करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स, ट्रेडिंग लॉसेस और लॉस ऑन रिवॉल्यूशन। इसका यूज एमसीक्यू वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है बेटा। नेट एसेट्स निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप एसेट्स मेथड से निकालो एसेट्स अप्रोच से, या लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकालो। तो लायबिलिटी के लिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि शेयर कैपिटल, रिजर्व में सरप्लस, प्रॉफिट किसी भी तरह का हो जैसे प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन हो, और माइनस करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स, यानी फिक्टिशियस एसेट्स में वही आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह, ठीक है, और ट्रेडिंग लॉसेस आएंगे या लॉस ऑन रिवॉल्यूशन आएगा, ठीक है बेटा। तो इससे हम निकालेंगे। अब हम चलते हैं जहाँ पे इसके बारे में थ्योरी दे रखी है वो पेज नंबर निकालते हैं। अभी जो क्वेश्चन किया था ना हमने उसी पे, तो इसकी जो थ्योरी दी गई है वो है 2700 एग्जांपल के आसपास, इसे पढ़ लेना बोनस शेयर के बारे में, और एग्जांपल 27 भी देख लेना, बिना इसे करे समझे वो क्वेश्चन नहीं होगा। 29 वाला क्वेश्चन वो नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये एग्जांपल जरूर पढ़ लेना और इसकी थ्योरी पढ़ना कि बोनस शेयर कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन पढ़ाते हैं श्रुति, क्वेश्चन निकालो 29 पढ़ के सुनाओ। कैपिटल है जो कि 5000 शेयर में बटी हुई है। आगे क्या लिखा है? यानी कि जिनके पास 4 शेयर हैं उनको 1 शेयर बोनस के तौर में दी जाती है कंपनी, है ना। आगे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर द इशू ऑफ बोनस शेयर एंड आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर, ठीक है। तो हमें शेयर की प्राइस निकालना है बिफोर और आफ्टर, यानी कि बोनस शेयर इशू करने से पहले और बोनस शेयर इशू करने के बाद। तो इन्हें ये लाइन तो यूज कर दी कि भाई 4 शेयर जिसके पास हैं उसे 1 शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा बोनस के तौर पे, ठीक है। तो हम पहले बिफोर वाले कंडीशन निकालेंगे फिर आफ्टर वाली। और साथ के साथ एग्जांपल भी देखते रहना कि सेम टू सेम है कि नहीं है, है ना। एग्जाम्पल में उंगली रख लेना जिससे कि आप पता चला कि हाँ ये सेम क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल कौन सा पेज था? ये पेज नंबर था 12.37, ध्यान रखना 12.37 पे है। किस तरीके से यूज करना है उसे देखें। तो खांसी हो गई बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 29 पहली कंडीशन कौन सी? बिफोर द इशू ऑफ बोनस शेयर। फर्स्ट कंडीशन है बिफोर
इश्यू ऑफ बोनस शेयर को दे ले, बोनस शेयर। ठीक, अब बोनस शेयर हमें इशू करने से पहली कंडीशन बतानी है। तो हमारे पास नेट एसेट्स निकालने का तरीका क्या है कि लायबिलिटी अप्रोच में, लायबिलिटी में कैपिटल होनी चाहिए लायबिलिटी अप्रोच में, और प्रॉफिट होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए, और कोई कैसा भी प्रॉफिट हो। हमारे पास सिर्फ कैपिटल पता है, रिजर्व पता है। एग्जांपल में भी देखो, सॉल्यूशन में भी ऐसे दे रखा बिफोर आफ्टर, तो दो चीज़ों को यूज़ किया गया इसमें भी, है ना। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, हाँ ये थोड़ा सा हार्ड तो है, अभी थोड़ा सा लगेगा तुम्हें कुछ क्वेश्चन तक। नेट एसेट्स के लिए शेयर कैपिटल दे रखा है, कितनी कैपिटल थी हमारे पास, 5 लाख थी, कितनी थी, 5 लाख थी। और क्वेश्चन में रिजर्व कितना दे रखा था, 2,80,000। इसमें कोई दिक्कत, ये 2,80,000 दे रखा है। हमने अभी बताया लायबिलिटी साइड अप्रोच में जो आप शेयर कैपिटल प्लस करोगे, रिजर्व प्लस करोगे, प्रॉफिट अलग से दे रखा वो प्लस करोगे, कोई लॉस हो या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस उसे माइनस कर दोगे, है ना। तो वो तो वगैरह है नहीं, तो टोटल कितना हुआ, 7,80,000 आ गया। ये नेट एसेट्स हो गई हमारी, ठीक है। वैल्यू पर शेयर, नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर, भाई 7,80,000 जीरो से ही बनाओ जैसे दिखाई दे लोगों को, 7,80,000 डिवाइड बाय 5,000 शेयर है ना, डिवाइड करो 1,56,156, देख लेना है ना एक बार, 1,56,156 आ गया। ये पहला आंसर, इसमें कोई था रॉकेट साइंस नहीं, अब होगा, ठीक है। सेकंड, आफ्टर इशू ऑफ बोनस शेयर, ठीक है। बोनस शेयर इशू करने से क्या फर्क पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में, अभी बिफोर वाला था सिंपल किया, आफ्टर वाले में क्या पड़ेगा, शेयर कैपिटल चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप एक बोनस शेयर देते हो किसको, जिसके पास चार है, क्लियर, चार वालों को एक देते हो, ठीक है। टोटल शेयर कितने थे हमारे पास पहले, 5,000 थे, कोई दिक्कत तो नहीं, 5,000 शेयर थे पहले से, अब चार वालों को एक देते हो, चलो ठीक है। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर इशू, कितने शेयर देने पड़ेंगे, 5,000 टोटल आपके पास हैं, चार वालों को एक देते हो, तो कैसे कर लें, हम ऐसे कर सकते हैं 1/4, चार वालों के करें तो 4 से डिवाइड, 1 से मल्टीप्लाई कर लो, और चार वालों को अगर 2 दे रहे होते हैं तो 2/4 करते, चार वालों को 3 दे रहे होते हैं तो 3/4 करते, तो बताओ कितना आया, 1,250, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। टोटल शेयर कितने हो जाएंगे, टोटल शेयर 5,000 पहले थे, बोनस शेयर और दे दिए, तो अब कितने होगा टोटल शेयर, 6,250, कोई दिक्कत तो नहीं। शेयर प्राइस कितने का था, 100 का था ना, ठीक है। तो नेट एसेट्स निकालने के लिए कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स निकालने के लिए हम ये क्या करेंगे, पहले हमने शेयर कैपिटल ली थी ना, तो शेयर कैपिटल अभी लिखेंगे, शेयर कैपिटल 5 लाख तो पुरानी थी, क्योंकि पुराने शेयर 5,000 थे, नए शेयर कितने हैं, बोनस शेयर मिला के 6,250, हाँ 100 करेंगे ना, भाई 5,000 पहले थे, देख लो यहाँ पे 5,000 पहले थे और 1,250 अभी और इशू कर दिए बोनस के तौर पर, तो टोटल शेयर कितने हुए, 6,250, नहीं 6,250, अब तो ये ऐसा होगा 6,000 मल्टीप्लाई करना कितना, 25,000, हाँ 6,25,000, कोई दिक्कत तो नहीं। तो शेयर कैपिटल पहले से बढ़ गई क्योंकि बोनस शेयर इशू किया, और बोनस शेयर इशू करने के लिए हम यूज करते हैं अपना रिजर्व वाला पैसा। भैया अगर ये बोनस शेयर है तो इसको पैसे के ले लिए, पैसे के ले लिए, कहाँ ले रही है, कंपनी ने फ्री में बोनस शेयर दिए, कंपनी की जो कैपिटल थी पहले 5,000 शेयर के हिसाब से थी, अब बोनस शेयर इशू करने के बाद शेयर तो संख्या बढ़ गई, कंपनी बता रही है अब मेरा शेयर इतने हो गए, कुछ तो पैसे वाले हैं, कुछ हमने फ्री में बांट दिए, लेकिन कैपिटल तो हो गई हमारे पास,
5000 प्लस 1250 टोटल शेयर कितने हो गए 6250 इंटू शेयर मल्टीप्लाई किया 100 वाली तो कितने कीमत है शेयर मार्केट में इसमें ठीक है। और ये बोनस शेयर इशू करने के लिए हमें रिजर्व का पैसा यूज करते हैं किसका यूज करते हैं रिजर्व का। रिजर्व पहले कितनी थी ऐड करो मतलब हाँ प्लस ही तो क्या था मैं रिजर्व रिजर्व करेंगे 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 रिजर्व का नहीं रिजर्व का इस्तेमाल किया कुछ तो बचा होगा अभी इस्तेमाल करने बाद कितना बचा होगा देखो जरा ठीक है। रिजर्व हमारा था 280000 इतना ही था ना ठीक है। हमने कितना यूज कर लिया हमने 1250 शेयर इशू किए बोनस वाले 100 वाले तो कितना पैसा लग गया हमारा 125000 वो इसमें से माइनस हो जाएगा कितना बचेगा बताना जरा कंफर्म 155000। अब टोटल कर दो बस थोड़ा फंडा यही है कि हमारी कैपिटल बढ़ गई रिजर्व हमारा कम हो गया आंसर वही आने वाला है लगभग लगभग करीबन थोड़ा बहुत अंतर होगा वही आ रहा 780000 वही आया। अब वैल्यू पर शेयर निकाल लूंगा यहाँ तक दिख रहा होगा फ्रेम में यहाँ तक देखिए ये दिख रहा है यहाँ तक दिखेगा ठीक है। तो वैल्यू पर शेयर वही नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर 780000 तो ये हो गया नंबर ऑफ शेयर पहले 5 थे अभी मिला के टोटल कितने हो गए 6250 चेंजेस हो गए ना। अब करो डिवाइड सारे पैसे ले लिए लाइक करो बहुत बढ़िया बिट क्या कितना आया 124.8 हाँ 124 ये इंपॉर्टेंट है बेटा है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ठीक है बेटा ठीक है नोट डाउन कर देखो फिर से समझाता हूँ। हुआ ये हमें दो कंडीशन दी गई एक तो बोनस शेयर इशू करने से पहले एक बोनस शेयर इशू करने के बाद। इशू करने से पहले वही था सिंपल केस कि पहले शेयर कैपिटल है रिजर्व है दोनों को प्लस किया डिवाइड टोटल आया टोटल एसेट्स मतलब नेट एसेट आ गया नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया आंसर आ गया पहला आंसर सिंपल था। अब बोनस शेयर इशू करने से क्या फर्क पड़ा हमारी शेयर कैपिटल बढ़ गई क्या बढ़ गई शेयर कैपिटल खा लेते और शेयर कैपिटल बढ़ गई और शेयर कैपिटल के लिए कैसे करेंगे नंबर ऑफ शेयर पहले 5000 थे एक शेयर दे रहे हैं 4 वालों को तो एक दे रहे हैं 4 वालों को यानी 1/4 करेंगे जिनके पास 4 शेयर उन्हें एक शेयर देना है तो 1/4 किया तो कितना आ गया हमारे पास वो इसमें प्लस कर दिया जिससे कि टोटल नंबर ऑफ शेयर आ गया ठीक है। इसके बाद शेयर कैपिटल में हमने वही लिखा सेम टू सेम टोटल नंबर ऑफ शेयर इंटू 100 कर दिया ये अमाउंट आ गया जितना शेयर हमने बोनस शेयर दिया है उसकी कीमत कितनी बैठती है 125000 रिजर्व था 280 का 125 तो हमने इसमें यूज कर लिया भाई पैसे कहाँ से है रिजर्व में से तो यूज हुए 1250 तो लिया नहीं 1250 तो शेयर ये आया इसकी मल्टीप्लाई 100 से कर ली हाँ 1250 इंटू 100 और 125000 आ गया हाँ नहीं जनरेटर नहीं आया जनरेटर में से यूज कर लिया वो बोनस इशू करने के लिए भाई कहीं से तो नुकसान तो उठाऊंगा मैं भाई फ्री में कुछ ही बांट रहा हूँ तो उसका पैसे कहाँ से अरेंज करूंगा तो उसी लिए रिजर्व में से इतना पैसे मैंने यूज कर लिया रिजर्व हमारा कम हो गया कैपिटल हमारी बढ़ गई कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा एक चीज बड़ी एक चीज घटी तो ठीक है। टोटल एसेट्स वही आई नेट एसेट्स नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए तो हमने डिवाइड किया तो शेयर प्राइस जो पहले 156 था अब कितना हो गया यस सर दिख रहा ना देखने में बस ठीक है यही है नोट डाउन कर लो 29 क्वेश्चन हो गया बाकी क्वेश्चन अगले उसमें क्लास में ठीक दिख तो रहा है 29 क्वेश्चन हाँ चलो आप नोट करो सिर्फ शेयर करो वीडियो को बाय बाय टाटा सब्सक्राइब करवाना सभी दोस्तों से जो भी कॉलेज फ्रेंड हो उन सबसे बाय बाय।